लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये पुरानी थ्योरी है या नई थ्योरी है या कुछ के साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताऊंगी या जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है या जो गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो अभी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, बहुत सारे इसके कोच बन रहे हैं और ये क्या है हाईलाइट में आ रहा है, तो हर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये सच में काम करता है कि नहीं। तो इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हो, कितनी डिपेंडेंसी उस पर लगा सकते हो, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपको बनाने और आपको एक गलत रास्ते पे ले जाने का सवाल है। तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि सही चीज़ आपके पास अगर पहुँचती है तो वो सच में आपके जीवन को बदलने वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो आप देखते हैं कि फैक्ट्स क्या है। 1990 में सबसे पहले इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मॉडर्न में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया। उसके पहले ये शायद बहुत सारे कल्चर में होगा बट और कई बार मिलता भी है, उसको कोरेट अगर आप करोगे तो हिंदू ग्रंथों में भी करो, बाइबल में भी करो, कुरान में भी करो या और अदर इजिप्ट के ग्रंथ में करो, फॉरेन की जितने कल्चर हैं उनमें जितना मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं इसके क्लू आपको मिलेंगे। बट ओरिजिनली जो मैंने नेट पे इसको सर्च करके देखा तो 1990 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया। और आपको यकीन नहीं होगा, केवल 2% लोग पूरी दुनिया में, केवल 2% लोग ही उस चीज को जानते थे। और अभी टुडे 73% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और फॉलो कितने करते हैं इसका तो नहीं मालूम था, पर ये वर्ड 73% कितना बड़ा अमाउंट है सोचो। और मुश्किल से कितने साल हुए होंगे, 1990 से अभी 2024 आप हिसाब लगा लो, तो इतने टाइम में कितना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है और क्यों हुई ग्रोथ, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये काम तो कर रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतनी बड़ी लोगों की फॉलोइंग नहीं हो सकती है। नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं, पर जब लोग समझ गए उस चीज़ को कि हम आत्मा हैं और उसके पावर को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत सारा इनर नॉलेज जब हमको होने लगता है तब कहीं ना कहीं, और जो एनलाइटन पर्सन है जो कि आपकी आत्मा के गुण हैं उसको जब वो हार्नेस करने लगते हैं तो ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। और हर चीज़ को आप साइंस पे तौल नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस में भी, ये है कि अगर एक पैरामीटर अभी है तो हो सकता है थोड़े दिन में वो चेंज हो जाए, बट ये जो सिद्धांत है ये कभी चेंज नहीं होते। आप हमारे फील्ड में भी देखो, जैसे ब्लड प्रेशर 120-80 नॉर्मल था, फिर वो थोड़ा सा कभी बढ़ा कभी घटा, फिर अभी 130 फिर 160, वैसे ही हर चीज़ के जो पैरामीटर्स हैं ना, हाइट के हों वेट के हों, सब चीज़ के पैरामीटर्स ना देश के अकॉर्डिंगली या एक समय के बाद जैसे जैसे हर चीज़ डेवलप हो रही है वैसे वैसे वो चेंज होते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स को देखो, आप सब चेंज होते हैं, ये तो खैर मेरी फील्ड का मैं बता रही हूँ। आप अगर ऐसे नॉर्मल भी देखो तो बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे प्रथाएं थी वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि चेंज होता नहीं है, चेंज होता है, बट कुछ लॉ रहते हैं जब उनके बारे में हम, उनके एक्सपीरियंस जब हम देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तब वो उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले ही फेसबुक पे भी इसका पोल हुआ था, तो उसमें 50% लोगों ने, मतलब उसमें क्वेश्चन ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोगों के लिए काम करता है या कितने लोग इसको मानते हैं कि ये काम करता है, तो उसमें 50% लोगों ने बोला कि ये 75% इसकी सक्सेस रेट है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं विजुलाइज करूं तो कितने दिन तक करूं कि आ गारंटी है कि होगा ही नहीं होगा। पहली बात तो जब आपने ये क्वेश्चन कर लिया और ज़बरदस्ती प्रैक्टिस किया वो वहीं पर रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि ये लॉ है बी विद सेल्फ, मतलब या बीइंग या वो जो चीज़ है ना वो ऑलरेडी है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप वैसा ही बन जाते हो ना तो चीज़ें अपने आप ही होने लगती है, ये किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर रेजिस्टेंस आ गया, वो आपने फिर एक रिचुअल बना लिया कि ये करना ही पड़ेगा। और थोड़े दिन के बाद जब कोई रिचुअल बन जाती है ना तो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती, उसका सार खत्म। जैसे मान लो रोज हम बोलते हैं ना पूजा पाठ करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, तो जब इसका नियम बना देते हैं ना तो फिर वो केवल ऐसा हो जाता है कि हाँ तैयार हुए, गए वहाँ, पैर पड़े, खत्म। क्यों पैर पड़ना है ये भी नहीं पता, कम से कम धन्यवाद भी बोल दें वो भी नहीं बोलते। तो वो जब भी कोई चीज़ एक
प्रेशर जैसी बन जाती है ना कि अगर नहीं तो फिर उसकी वो इम्पोर्टेंस वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, जब टाइम मिलता है तब आप अच्छे से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अलग बात है। तो 50% लोगों ने बताया कि 75% सक्सेस रेट है, 40% लोगों ने बताया 100% सक्सेस रेट है, और बाकी के रेस्ट ऑफ लोगों ने बताया 25% सक्सेस रेट है। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी सक्सेस रेट मिली। मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे पूरा 100% भरोसा है, 100 क्या, अब तो मैं बोल सकती हूँ 1000% भरोसा है। मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतने नॉलेज, इतनी स्टोरी की, और मेरी खुद की एक्सपीरियंस, अगर मैंने किसी चीज़ को इमेजिन किया तो अगर एग्जैक्टली सुबह नहीं मिलता, क्योंकि मैं फोर्सफुली मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कई बार यूनिवर्स को, तो एग्जैक्ट नहीं मिलता पर उससे मिलता जुलता मिलता ही मिलता है। कई बार तो मैं नोटिस करना भूल जाती हूँ पर वो सामने रहती है चीज़। तो मैं तो कह सकती हूँ कि ये सारे लॉ काम करते हैं। अभी टेस्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी देखो, ये अगर किसी ने इमेजिन नहीं की होती तो आज क्या हम यहाँ हो रहे होते, मतलब ये सब बातें कर रहे होते, सुन रहे होते, ये लाइट की वजह से क्या नहीं हो सकता। आज देखो, एक दिन लाइट चली जाए ज़िंदगी रुक जाती है। नेट, किसने सोचा था कि मोबाइल पे पैसे के ट्रांजेक्शन होंगे, मोबाइल पे आप अर्न कर सकते हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ें। और बड़ी बड़ी इलॉन मस्क को देखो, इस पे कहाँ, ये सब जो ड्रीमिंग है ना, जो विजुलाइजेशन है, ये सारे पावर कहाँ, सोल से आते हैं। सोल के आप करंट में जो विचार कर रहे हो उससे कोई इमेजिनेशन होते हैं कि, उससे तो केवल आपको परेशानियां ही दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं वो पावर एग्जिस्ट करता है, उसको हार्नेस करना आना चाहिए, और इंस्पायर्ड एक्शन भी जरूरी है। हालांकि वो छोटे मोटे एक्शन होंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर चुका रहता है, बस उसको लेना है। पर लेने का एक्शन तो आपको एटलीस्ट करना ही चाहिए, और करने में मज़ा भी आता है। अगर वो नहीं करोगे तो करोगे क्या इस दुनिया में। मेरे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्स ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए, सच्चाई यही है। आप इसको यूज़ करो, खुद एक्सपीरियंस करो। और कई बार बोलते हैं लोग कि मैं तो 2 साल से कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जब आप ये बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये लिख रहे हो इट मीन्स कि आपने जब प्रैक्टिस की तब भी नहीं हो रहा था। एक्चुअली उनको असली प्रोसेस पता नहीं रहती। प्रोसेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आप वैसे हो, बस वही आपको करना है। उसमें आप अपने आप ही आपकी फीलिंग्स, एक्शन और थॉट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस से, एकदम से कुछ भी नहीं आता, बट हाँ, दिस वर्क्स 1000 times, मैं ये कह सकती हूँ। आई होप दिस फैक्ट्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि न्यू स्टूडेंट है और मैं खुद MD के बच्चे मेरे अंडर में रहते हैं, उनको MD कराती हूँ। तो कहीं ना कहीं विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, स्ट्रैटेजी बनाना ब्रेन माइंड में कि आपके पास वो सब कुछ है, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस भी दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ में आपके पास एक बेस तैयार हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। तो मददगार तो होती ही हैं। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सकारात्मक विचारों का सकारात्मक परिणाम है, इस जो सजेशन है उसका मतलब, इस बेस पे ये बना हुआ है, तो ये अच्छी ही बात है। इसको कोई कह ही नहीं सकता कि ये खराब है। आप उसको करो, आपको किस हद तक उससे सफलता मिली है ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कितना भरोसा है। और एक्चुअली इसको अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे, करोगे, तो सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल देते हैं। यस माई डियर फ्रेंड, नो डाउट इन इट। आई होप दीज फैक्ट्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हम कल के वीडियो में मिलेंगे, एक अमेजिंग छोटा सा वीडियो बताऊंगी जो कि मैंने कल ये एक्सपीरियंस किया और लोगों से सुना, उसको जरूर बताऊंगी।